परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं जीत शर्मा ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विज्ञान विषय की कक्षा में हम चल रहे थे अम्ल विषाद पर, और आज की कक्षा में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पीएच स्केल पर अपन अध्ययन करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? देखो, जिस प्रकार अपन थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापते हैं, या सीधी सी बात, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार अम्ल व क्षार के सामर्थ्य को मापने के लिए, किसी भी विलयन में अम्ल और क्षार है उसके सामर्थ्य को मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? पीएच स्केल का। ये एक प्रकार का स्केल है, एक प्रकार का यंत्र है जो अम्ल व क्षार के सामर्थ्य को मापता है कि विलयन में कितना अम्ल कितना क्षार है। तो आज अपन इस पीएच स्केल पर अध्ययन करेंगे। पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है और एच का मतलब क्या होता है? जनरली बात, एच का मतलब मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और यहां पर पी जो है ये जर्मन शब्द है पुसांस। कौन सा शब्द है? जर्मन, जर्मन शब्द है, और ये है शक्ति का सूचक। पी पुसान जो जर्मन शब्द है, ये है शक्ति का सूचक, और एच यहां पर है हाइड्रोजन का सूचक। किसका सूचक है? हाइड्रोजन का। मतलब पीएच स्केल क्या करती है? किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन मिले हुए हैं उनकी सांद्रता को मापता है कि इस विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन मिले हुए है। तो मैं यहां पर पीएच की परिभाषा आपके सामने लिख देता हूं। पीएच की परिभाषा से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीएच स्केल को 1909 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था, ठीक है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर इस पीएच स्केल का निर्माण किया, और इसकी परिभाषा क्या बताई इन्होंने? इन्होंने परिभाषा बताई कि किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लोगेरिथम अर्थात लघुगुणक, जिसको आप गणितीय भाषा में लॉग टेन भी कहते हैं, ऋणात्मक लोगेरिथम, आयनों का ऋणात्मक लोगेरिथम ही पीएच कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? पीएच स्केल को 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, जहां पी जो है पुसान शक्ति का सूचक है, और एच जो है वो हाइड्रोजन आयनों का सूचक है। और परिभाषा क्या बताई इन्होंने? किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का जो ऋणात्मक लोगेरिथम है या लघुगुणक है, उसी को अपन क्या कह देते हैं? पीएच कह देते हैं। अर्थात पीएच का मतलब क्या हुआ? पीएच बराबर क्या हो गया? ऋणात्मक लोगेरिथम, लॉग टेन, लॉग टेन आप कहते हो लॉग टेन, यही है लॉगरिथम या जिसको लघुगुणक कहते हैं, और का हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है, ऋणात्मक लॉग टेन हाइड्रोजन आयन, ये क्या हो गया अपना? पीएच हो गया। अर्थात
किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का जो ऋणात्मक लॉगरिथम है, हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लॉगरिथम है वही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जल, शुद्ध जल की मैं बात करूं, उदासीन जल में हाइड्रोजन व हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता वो होती है 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो इसमें पीएच का मान कितना होगा? उदासीन जल जो है उसकी बात करूं मैं, तो उदासीन जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? 1×10⁻⁷। ये है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। और पीएच में अपन ने क्या पढ़ा, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसका ऋणात्मक लॉगरिथम। अब अपन इसका ऋणात्मक लॉगरिथम करते हैं। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग 10 और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है, 1×10⁻⁷। ये सांद्रता रख दी अपने हाइड्रोजन आयनों की, तो क्या हो जाएगा, 7 log 10 और पीएच का मान कितना हो जाएगा, +7। तो यहाँ पर ऋणात्मक लेना था हमको, -10⁻⁷ दी दी अपन को सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की, जो सांद्रता दे रखी है वो 1×10⁻⁷ है। और अपन ने पढ़ा था कि पीएच का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन आयन है उनके जो घातांक है या उनकी सांद्रता है उनका ऋणात्मक लॉगरिथम। तो यहाँ पर घातांक कितना है, -7। तो सीधी सी बात है, घातांक -7 है, सांद्रता की जो घातांक है वो -7 दे रखी है, तो उसका ऋणात्मक लॉगरिथम क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। -7 है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक क्या हो जाएगा इसका, +7 हो जाएगा। ऋणात्मक का मतलब उल्टा, तो ये -7 का क्या हो जाएगा, +7। सीधा सीधा अपन को पता चल गया कि उदासीन जल जो है उसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। उदासीन जल या कोई भी उदासीन विलयन हो उसकी पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पीएच स्केल बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से पीएच स्केल होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन होंगे, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, और ये तो हो जाएगा बराबर 7 पर, ठीक है, बराबर 7 पर तो हो जाएगा उदासीन, और 7 से कम हो जाएगा, 7 से कम, 7 से कम क्या हो जाएगा, अम्ल, और 7 से अधिक कहां तक, 14 तक क्या हो जाएगा, 7। सीधी सी बात है, किसी भी विलयन की अगर पीएच माप अगर बराबर 7 आ रही है तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, और 7 से कम आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 से लेकर के अपन 7 तक की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ बात करते हैं अपन 7 से 14 तक। अगर 7 से कम है तो वो अम्ल हो जाएगा, बराबर 7 है तो वो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक 14 तक, 7 से अगर अधिक है 14 तक तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। किसी भी विलयन में अगर उसकी पीएच का मान आपको पता चल गया तो आप बता सकते हो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है, और पीएच स्केल का उपयोग भी यही है, अम्ल या क्षार की सांद्रता का या उसकी प्रकृति के बारे में पता लगाना कि विलयन में अम्ल है या क्षार है। पीएच का मान 7 आता है तो उदासीन, 7 से कम आता है तो अम्ल, और 7 से अधिक आता है 14 तक तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यह है पीएच स्केल का चित्र, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे इस पीएच स्केल का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच स्केल का पहला महत्व है उदर में अम्लता, उदर में अम्लता। उदर में अम्लता का मतलब क्या हुआ, एसिडिटी। अगर हमारे पेट में जो जठर रस पाया जाता है हमसे, उस जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर पेट के अंदर, उदर के अंदर अगर HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्लीय माध्यम ज्यादा अत्यधिक हो जाएगा, तो पेट में जलन होने लगती है। क्या होने लगती है, जलन होने लगती है।
उदर में HCl की मात्रा बढ़ने पर क्या हो जाती है? अति अम्लता। अति अम्लता मतलब एसिडिटी हो जाती है। अति अम्लता हो जाती है जिससे पेट में जलन होने लगती है, पेट में जलन होने लगती है या मान लो खट्टी डकारें आने लगती है, तो ये सब कुछ होता है अति अम्लता एसिडिटी की वजह से। तो पीएच की वजह से अपन इस पीएच स्केल से अपन पता लगा लेते हैं कि जो अम्लता है वो अत्यधिक हो गई है, अम्ल अधिक हो गया है। तो उस अम्ल के सामर्थ्य को कम करने के लिए आप सबको पता है अपन को क्या ग्रहण करना पड़ेगा, कुछ मात्रा में क्षार ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर ही उदासीन होते हैं। क्षारों में अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य होता है। तो अगर हमारे उदर में HCl की मात्रा बढ़ गई, अम्ल बढ़ गया, तो अपन क्या कर लेते हैं, कुछ मात्रा में क्षार ग्रहण कर लेते हैं। और आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था अति अम्लता को दूर करने के लिए, HCl के सामर्थ्य को कम करने के लिए अपन कौन से क्षार को ग्रहण करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 12, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। क्षार ग्रहण कर क्या करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार ग्रहण करके अति अम्लता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरे मेथड, ये है दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब हमारे दांतों में कुछ विशेष प्रकार के मुंह में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हमारे मुख की पीएच कितनी होती है? देखो नॉर्मली नॉर्मल हमारे मुख की पीएच होती है 6.5। कितनी होती है? 6.5। ये हमारे मुख की नॉर्मल पीएच है। हमारे मुख में कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद में अगर मुंह को अपन साफ नहीं करते हैं तो वो भोजन के कुछ कणों से वो बैक्टीरिया क्रिया करते हैं और अम्ल में बदल देते हैं, उसको किसमें बदल देते हैं? अम्ल में। और मुख की पीएच क्या हो जाती है? 6.5 से कम होने लगती है। और एक सीमा आती है जब मुख की पीएच कितनी हो जाती है? 5.5 से कम। जब मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों की इनेमल, नाम सुना होगा आपने, दांतों का सबसे कठोर भाग, दांतों का सबसे कठोर, शरीर का कठोर भाग है इनेमल। तो दांतों की इनेमल का क्षय होने लगता है। और एक क्षय, और इस क्षय को रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है भाई? अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, कितनी? 5.5 भाई, 6.5 पीएच थी, अब पीएच कितनी होगी? 5.5 होगी, मतलब अम्लीय माध्यम में वृद्धि हुई। अपन ने बताया कि 7 से कम जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। 7 से ज्यादा क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये 6.5 तक तो अपना जो मुख की पीएच थी वो नॉर्मल थी। जैसे ही 5.5 हुई, यहां से नीचे अगर होने लगती है तो हमारे दांतों को जो इनेबल होती है उसका क्षय होने लग जाता है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा? या तो किसी क्षारीय विलयन से अपने दांतों को साफ करना पड़ेगा, या अपन को जो कोलगेट वगैरह है, ब्रश वगैरह है, वो करने की आवश्यकता होती है। तो तब हमें क्षारीय विलयन या मंजन, है ना,
दांतों की सफाई या दांतों की या मुंह भी कह सकते हैं अपन, मुंह की सफाई करनी उस शाजी विलियन से या मंजन से अपन क्या करेंगे, अपने दांतों को साफ करेंगे तो उस मुख की पीएच जो है वापस क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी 6.5 के समथिंग। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब हम बात करते हैं तीसरे उपयोग की, पीएच स्केल का मानव जीवन में, दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तीसरा महत्व है अपना कीटों का। आप सबको पता है जनरली मधुमक्खी के काटने पर या किसी भी कीट के काटने पर हमारी त्वचा में जलन होने लग जाती है। उस त्वचा में जलन होने का कारण होता है उन कीटों के डंक में अम्ल पाया जाता है, और वो कीट जो है वो डंक के साथ में कुछ विशेष प्रकार के अम्ल का स्राव कर देते हैं और वो अम्ल हमारी त्वचा में जलन पैदा कर देते हैं। तो उस अम्ल के सामर्थ्य को कम करने के लिए अगर अपन उस जगह पर थोड़ा सा अगर क्षारीय विलयन का लेपन कर लेते हैं या कुछ विशेष प्रकार के क्षार अगर अपन लेप कर लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बहुत ही अच्छा कारगर होता है कीटों के डंक की जलन को कम करने के लिए। कीटों के डंक में अम्ल होता है, वो त्वचा में जलन पैदा करता है, उस अम्ल के सामर्थ्य को कम करने के लिए क्या लगाएंगे अपन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या किसी अन्य क्षारीय विलयन का लेपन कर लेने से उसका जो सामर्थ्य है अम्ल का कम हो जाता है, जलन कम हो जाती है। मधुमक्खी या अन्य कीटों के डंक में अम्ल पाया जाता है, यह हमारी त्वचा में जलन उत्पन्न कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या क्षारीय विलयन का लेपन कर जलन कम कर सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, अपन को अम्ल में कुछ क्षार मिला देना है तो उसका सामर्थ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा, जिससे उसका जो प्रकृति है वो बदल जाएगी, उदासीन हो जाएगा। चौथा अगर अपन बात करें महत्व की पीएच स्केल के चौथे महत्व की, तो वो है जो अम्लीय वर्षा है उसमें। अम्ल वर्षा किस प्रकार होती है, क्यों होती है? जब वायुमंडल के अंदर प्रदूषण फैल जाता है तो वायुमंडल में प्रदूषण फैलने की वजह से जब पहली बारिश होती है तो उस बारिश के साथ में उस प्रदूषक बारिश में घुल करके धरती पर आ जाते हैं। बारिश का जो पानी है वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। प्रदूषक वायुमंडल में रहते हैं, वो बरसात के साथ में, वर्षा के पानी के साथ में घुल करके उस जल को क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन क्या है, एक अधातु है, और अधात्विक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कार्बन अधातु है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यह भी अधातु है, तो इनके ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। पिछली कक्षा में बताया था आपको मैंने, तो ये अम्लीय प्रकृति के जो प्रदूषक होते हैं ये बारिश के जल में घुल के उस पानी को क्या कर देते हैं, अम्लीय बना देते हैं।
और उस अम्लीय पानी के सामर्थ्य को कम करने के लिए अपन को उस प्रदूषकों को हटाना पड़ेगा। उन प्रदूषकों से अपन को क्या करवानी पड़ेगी, किसी अन्य क्षारों से क्रिया करवा देंगे, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा तो बरसात का पानी अम्लीय नहीं होगा। वर्षा जल में वायुमंडल के प्रदूषक मिलकर वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं और उस वायुमंडल के प्रदूषकों को अपन हटा करके क्या कर सकते हैं, उस बारिश के जल को अम्लीय होने से बचा सकते हैं। वायुमंडल में प्रदूषकों को कम कर वर्षा जल को अम्लीय होने से रोका जा सकता है। ठीक है, एक अन्य महत्व इसका है, पांचवा महत्व पीएच स्केल का दैनिक जीवन में, वो है जो मृदा की पीएच है उस मृदा की पीएच का पता लगाना और उस आधार पर अपन वहां पर फसल करें कि किस अम्लीय मिट्टी के अंदर किस प्रकार की फसल को बोया जा सकता है और जहां पीएच कम है वहां पर कौन सी फसल होगी, जहां पीएच अधिक है वहां पर कौन सी फसल होगी। तो अपन उस मृदा की पीएच ज्ञात करके भी अपन अच्छी फसल वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वो है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच ज्ञात कर हम वहां पर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। या अपन उसमें उर्वरक भी मिला सकते हैं, उर्वरक मिला करके भी अपन उस मृदा के पीएच को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। उस मृदा में अपन उर्वरक मिला करके भी उसकी पीएच का क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ये कुछ पीएच के महत्व थे दैनिक जीवन में, जो कि इस अध्याय में अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसका पुनः रिवीजन करें, अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।